मेरे परि पुत्र नु किस दिन नजर ना लगे। देव सर, इसका श्रेय सिर्फ आपको ही जाता है जी। अगर आप नहीं होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी में ये भी गुण है। सच्ची भाई सर, हमने परी के टैलेंट को समझा ही नहीं। ओए परी पुत्र, आज सारे परिवार को तेरे ऊपर गर्व है। तेरी काबिलियत की दाद देते हुए ये दादा आज तुझे सलाम करता है। ओए तूने खाली खुरानों की इज्जत ही नहीं रखी, बल्कि पूरे परिवार का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। ओए बच्चू, बल्ले बल्ले, शामा शामा तू ये रॉक करता बोल दीदी। थैंक यू वेरी मच देव सर, आपकी वजह से आज परी दीदी का ये टैलेंट हम सबके सामने आ पाया। नील, थैंक्स करना है ना राजू जी को, करो। सब कुछ इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ है। राजू जी, आपने जिस तरह परी का स्टेज पे साथ दिया ना, थैंक यू। काजू, हमारे सारे परिवार की तरफ से हम तुझे दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं बेटा। नहीं नहीं, मेहनत हिम्मत काबिलियत सब बहनी जी की ठहरी। मैंने तो बस उनसे विनती की थी कि वो मंच पे आ जाएं और उन्होंने मेरी बात मान ली। मैंने कुछ खास नहीं किया ठहरा। दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर फिर भी दुनिया चल रही है। आज पता चला कैसे, आपके जैसे अच्छे लोगों की वजह से जो बिना किसी मतलब अपने आसपास के लोगों पे प्यार लुटाते रहते हैं। मैं दुआ करूंगा दुनिया की सारी खुशियां आपको मिले। रब राखा। हाय परी मैम, मैम आपका इंटरव्यू लेना है। मैम प्लीज प्लीज परी मैम, प्लीज आप प्लीज एक इंटरव्यू लेना है। प्लीज 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 मैम, मैम एक फोटो मैम प्लीज। देखिए 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 देखिए, आज का दिन परी के लिए थोड़ा मुश्किल रहा है, उसे उसे आराम करना है। प्लीज देखिए, आगे चल के ऐसे बहुत मौके आएंगे, आप इंटरव्यू लीजिएगा, ठीक है? आज आज उसे रेस्ट करने दीजिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, प्लीज। थैंक यू, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। थैंक यू। मुझे तुमसे बात करने दिया कि जो कुछ भी हुआ आज तुम ठीक हो या कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? मतलब मैं ठीक हूँ। पक्का वाला? या फिर तुम फिर से महान बन रही हो? हाँ माइन माइन माइन, कोई वैल्यू नहीं है, तभी तुमने मेरी सुनहरी चाय की तारीफ भी नहीं करी। वो मैं पता नहीं, बहुत अच्छी बनी ठहरी। आपसे बातें करके एक सुकून सा लग रहा ठहरा। से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं, मैं ये रख के आ जाती हूँ। मुझे एक चीज बताओ, क्या हुआ तुम्हारे घर? ऐसे लंगड़ा लंगड़ा क्यों चल रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ ठहरा। पहले पहले पता नहीं चला। तभी तुम पूरा दिन बाहर इधर उधर घूम रही हो। अच्छा हाँ, तुम्हें याद आ गया होगा ना अभी रात को कि
पहनना तो है नहीं वो थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है वो कल तक ठीक हो जाएगा मैं अब क्या बैठो बैठो बहुत महान बनने की आदत जो है ना तुम्हारी वो बहुत खराब है रुको अब नचे बचे की तरह मुझे अपना पैर देखो चल नीची नीची आप प्लीज मेरे पैर मत छुइए मुझे मुझे पाप लगेगा ठीक है तुम्हें अगर पाप लगेगा तो मैं पाप को लग जाऊंगा नाउ रिलैक्स नीची नहीं पैर देखो नहीं नीची प्लीज मत यहाँ पे हो रहा है अब तुम दो मिनट यहाँ पे वेट करो मैं ऑइंटमेंट लेकर आता हूँ और गायब मत हो जाना नील जी सच में उसकी कोई जरूरत नहीं ठहरी आप परेशान मत होइए ये ठीक हो जाएगा एक सेकंड रखो इसको वापस रखो फिर मान मिल रही हो तुम क्या बोला तुमने नील जी हाँ मैंने तुम्हें क्या समझाया था मुझे क्या कहा करो बहुत सिंपल बोलो नाइस ये सच में ठीक हो जाएगा आप प्लीज टेंशन मत लीजिए जो तुमने आज परी दीदी की हेल्प करी है ना उसके आगे ये कुछ भी नहीं जो मैं कर रहा हूँ और जो तुमने किया है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है और जो सुबह हुआ उसके लिए प्लीज सॉरी मुझे भी आपसे एक बात कहनी थी बोलो आप प्लीज अपने पापा जी से कुछ मत कहिएगा प्लीज नील जी जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना आप मेरे लिए अपने परिवार वालों से मत क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे रहना सबके साथ घुलना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो प्लीज आप कुछ मत कहिएगा नहीं बोला मैंने सुन गुड नाइट चलो ओके अगर सच में तो मुझे बुला लेना मुबारका ये तुम्हारा मेडल ये मेरा मेडल देखो मेडल ओ बल्ले ये देखो काजू मेरा मेडल ये नील मेरा देख मेरा मेडल कैसे लश्कर है मोर दानू का वो सोने का दांत ना परी अभी और भी गिफ्ट है कितने ये लो तुम्हारी गिफ्ट लिफाफा इसकी क्या नाव बनाऊं या हवाई जहाज परी पहले खोल के देखो फिर डिसाइड करना क्या बनाना है मैं हेल्प करूं हाँ ये इधर से
तुम खोलो खोलो। पैसे इतने सारे? सारे तुम्हारे हैं, पूरे 50,000। पर देव सर इतने सारे पैसे आए कहां से? जी वो ये पैसे ना शो के ऑर्गेनाइजर ने दिए। परी का गाना उन्हें इतना अच्छा लगा कि उसके गाने के बाद ना वो प्राइज मनी उन्होंने परी के नाम पे अनाउंस की। ये मेरे पैसे? बिल्कुल, हमारी मेहनत की कमाई है। मैंने पैसे कमाए? हाय रब्बा, मेरे बच्चे की पहली कमाई। परिधि, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। माँ, आप बोलते हो ना कि पैसे तो बड़ों का मामला है संभालना। ले लो मेरे मेरे नीचे। मेरे पास तो मेडल है। परी पुत्र, आज बड़ा वड्डा दिन है। आज मेरी परी ने अपनी जिंदगी दी पहली कमाई कीती है। अब तो पार्टी बनती है परी। आपने ये पैसे अपने टैलेंट के दम पे जो कमाए। हाँ, जल्दी। हाँ पुत्र, तूने जो भी परी के लिए किया है उसके लिए हम कुछ भी करें तो भी कम है। परी को नई जिंदगी, नया रास्ता देने के लिए पुत्र तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज ही गुरुद्वारे जाएंगे और वाहे गुरु से अरदास करेंगे कि तेरे को बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि तुम जैसे पुत्रों की बहुत जरूरत है। जी आप लोगों का आशीर्वाद रब जी के आशीर्वाद से कहां कम है। पर देखिए, मैं तो अब भी यही कहूंगा, परी के अंदर जो हुनर है ना वो शुरू से उसके अंदर है। मैं तो बस एक जरिया बनाऊ उस हुनर को दुनिया के सामने दिखाने का बस। पर उसको स्टेज पे ले जाकर गाना गवाने का जो असली काम है ना वो काजू जी ने किया। काजू जी को थैंक्स बोलना चाहिए। ओए काजू तो परी के लिए रब की भेजी हुई सौगात है। खुश रहो बेटा। प्रणाम साहब। आप वकील हैं, कुछ भूलते तो नहीं होंगे। आपने कहा था कि अगर परी अच्छा गाना गाएगी तो आप उसे कहीं भी जाने के लिए नहीं कहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने वादे को निभाइएगा। मास्टर जी, जयदीप खुराना अपनी जबान की कीमत जानता है। मैं चल रहा हूँ। ना 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 सर जी, आज बिना खाना खाए मैंने नहीं जाने देना आपको। बस अभी तैयार हो जाएगा, आ जा सोनिया। नील यार, खाना नहीं खा पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। कुछ नहीं होता, तुझे टेंशन ना लो, मैं तेरी जगह संभालूंगा। थैंक्स सर। परी, मैंने ना जा परी परी अरे कमाल है। टीचर सर जी, जी? टीचर सर जी, ये ताई जी ने आपके लिए भेजी है। ये सब जो हुआ है वो आप ही की मेहनत का नतीजा ठहरा, और उसके लिए आपका धन्यवाद करना तो बहुत छोटी बात है, इसलिए आप मुंह मीठा कर लीजिए। परिवार में खुराना से ज्यादा ये नौकर टकरा जाते हैं। पहले वो फूल सिंह, फिर ये काजू, अब ये म्यूजिक टीचर।
सभी जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से पुकारने की? क्यों, आपको अपना नाम पसंद नहीं है क्या? वैसे शुक्र मनाइए कि आपके नाम के साथ मैंने जी भी लगाया है, क्योंकि अभी जिस तरह की बात आपने मेरे और इनके बारे में कही है ना, इस इज्जत की हकदार आप हैं नहीं। हे यू, मॉम है ये मेरी, तमीज और औकात में रह के बात करो। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी बेटी को आपके जैसा बनने की ट्रेनिंग दी है ना, आप सफल हुई हैं। कीचड़ को साफ करने के लिए अपने हाथ कीचड़ में डालने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भूमि बेटा। चलिए मॉम। वैसे भूमि जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। रियली? क्यों? वो आपका कुछ सामान लौटाना था। ये फ्लास्क आपका ही है ना? यही है ना वो फ्लास्क जिसमें आप परी के लिए गर्म पानी लाई थी और जिसे पीने के बाद परी की तबीयत बिगड़ गई थी। और हाँ, ठीक उसी वक्त किसी ने मुझे एक रूम में बंद कर दिया था। अब आप कहेंगे कि एक इत्तेफाक हो सकता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इत्तेफाक ना इत्तेफाक से नहीं होता है। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी हद में रहो मास्टर। मुझ पर और मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी में तो आप हैं, जो आपको लग रहा है कि ये सब करने के बाद आप बड़े आराम से निकल जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बहुत आसानी से ऑडिटोरियम का CCTV फुटेज निकलवा सकता हूँ, इनफैक्ट वहीं जा रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आपकी बेटी के कारनामे सबके सामने आ जाएंगे और इन्हें अरेस्ट भी होना पड़ेगा। राइए नहीं, मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूं। वो क्या है, भूमि जी भी अब इस फैमिली का हिस्सा है, पुराना फैमिली की बहू है और मैं इस फैमिली की काफी इज्जत करता हूं, इसलिए भूमि जी मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। उस गर्म पानी में आपने कुछ मिलाया था, राइट? ट्यूशन देते हो ना परी को, काम करते हो ना यहाँ, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने का अंजाम बहुत बुरा होगा, ये याद रखना। और वैसे भी परीदी के लिए मैं जो पानी लेकर गई थी वो घर से गया था। बेशक पानी तो घर से गया हो, लेकिन ये ये तो आप लाई थी ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? और यस ऑफ कोर्स, इसने किया होगा, इस गवार ने किया होगा। हाँ बताओ, तुमने किया ना? बोलो, इसके पीछे तुम मास्टरमाइंड हो, मिला ना तुम हो ना इस प्लान के पीछे?